ये है रूबी दरवाज़ा और वो रहा क्लॉक टावर। भाई यहाँ पे एकदम से ट्रैफिक रूल का ना धजिया उड़ रहा है। ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है, बहुत बार, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितना भी यूट्यूबर है। तो अभी टाइम है 6:02, अभी वक्त है यहाँ से निकलने का और ऋषिकेश जाने का। तो आज के राइड के लिए हम लोग हैं 3 लोग, आगे है रूपम दा, उससे आगे भी है सोइकत, और सोइकत चला रहा है अभी डोमिनर 400, और रूपम दा चला रहा है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, और हम चला रहे हैं वेरोनिका जो कि है R15S। हाँ बिल्कुल S मॉडल है, ये स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, टूरिंग भी कह सकते हैं एकदम ना। और माइलेज तो पूछो ही मत यार, फर्स्ट डे से अभी तक इसने जो माइलेज दिया है, तो फर्स्ट डे बहुत अच्छा माइलेज दिया था जो कि 60 पर था। कल थोड़ा सा देख रहा था कि घट गया है, अभी दे रहा है 58। जब कल मैंने पेट्रोल भरवाया तो तब हिसाब किया कि ये 58 दिया कल, तो ठीक है भाई, बहुत है बहुत। तो जो जो भाई लोग और भाई लोगों के बहन लोग अभी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो उसको बता दूँ हम लोग जा रहे हैं कोलकाता टू केदारनाथ। कल हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ, तो थोड़ा सा लखनऊ भी घूम लिए। तो उस वाला वीडियो जो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, पहले एकदम पूरा स्टार्टिंग से देखिए, मज़ा आएगा। और आगे वाला जो वीडियो आने वाला है वो तो और भी मस्त होगा। तो ये रहा वो जगह जो कल हम आए थे रात को। ये है रूबी दरवाज़ा जो कि इसको इमामबाड़ा भी कह सकते हैं, और इसको रूबी दरवाज़ा भी कहते हैं। और वो रहा क्लॉक टावर। आते वक्त देखेंगे, लखनऊ अगर रुकेंगे तो और भी और एक जगह एक्सप्लोर करेंगे। बंदर देखो, ये देखो ट्रक को घिर के खड़ा हुआ है वो खाना खिला रहा है उसको। अभी हो गया हम लोगों का सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच दोनों एक साथ कर लिया हम लोगों ने। हुआ क्या था, हम करीबन अभी 11 बजे है, तो हम लोगों ने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, तो हमने पराठा ऑर्डर किया था। तो पराठा इतना अच्छा लगा कि हमने 2 पराठा ऑर्डर कर दिया, और अभी जो पेट का कंडीशन है अभी दोपहर को कुछ नहीं खा पाएंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने लंच भी कर लिया। तो चलो अभी और 1 घंटा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर लंच करने रुकते तो और भी 1 घंटा वेस्ट होता। तो लखनऊ के ऋषिकेश के तरफ जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है एकदम बढ़िया रास्ता है। हाँ कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, पर उसको इग्नोर कर सकते हैं आप।
क्या हाल है भाई। भाई यहाँ पे एकदम से ट्रैफिक रूल का ना धजिया उड़ रहा है, कोई सिग्नल भी नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी भाई वहाँ घुसा दो, बस हो गया। और ट्रैफिक रूल पुलिस भी क्या कर सकता है, अगर जो चला रहा है गाड़ी वो अगर ठीक ना हो तो पुलिस का कुछ दोष नहीं है। मैं पुलिस वालों को क्या बोलूँ, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। जो चलाएगा गाड़ी उसी का ना, उसको रूल मेंटेन करना चाहिए कि हमको ऐसा जाना है ऐसा जाना है। यहाँ का रूल्स जो है भाई, आपको राइट साइड जाना है तो हम लोगों क्या करते हैं कि राइट साइड का इंडिकेट करता है। इतना देर बाद एक आदमी को देखा कि इंडिकेटर चलाया, अब तक जितना भी देखे, अगर आपको राइट जाना है कुछ नहीं करना, बस राइट साइड घुमा दो, बस हो गया आपका राइट साइड। लखनऊ में इलाहाबाद और ये अब मुरादाबाद, अब तक तो कैमरा ऑन नहीं किया था जहाँ पे हेवी ट्रैफिक था। ओ भाई पास में पुलिस खड़ा हुआ है और जो जहाज से चाहे वहाँ से घुसा रहा है। जहाँ पर भी ऐसा होता है, कैमरा ऑन करने के लिए स्विच दबाता हूँ, रिकॉर्ड ही चालू नहीं होता, कैमरा ऑन ही नहीं होता। भाई गोप्रो क्या हो रहा है भाई, इतना महंगा कैमरा इतना अपग्रेड कर रहे हो भाई, हैंग प्रॉब्लम को ठीक करो। ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, बहुत बार, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितना भी यूट्यूबर है या फिर जो भी गोप्रो यूज़ करता है उन सभी का यही कहना है कि भाई गोप्रो का हैंग प्रॉब्लम। भाई ओ भाई क्या ठंड है यहाँ पे, भाई बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना ठंड होगा। भाई मुरादाबाद के बाद से भाई रास्ता इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। ओह ये 100 किलोमीटर ना एकदम हम लोगों का जान निकाल दिया, एकदम पुर्जा पुर्जा हिला दिया। हाँ पर जो रोड बन रहा है वो अगर बन गया ना भाई एकदम मस्त रोड बनेगा। तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से मुलाकात होगी दूसरी पार्ट में। यार अभी बाकी है और कल से शुरू होने वाला है हम लोगों का मेन जर्नी, क्योंकि कल हम लोग हिल पे चढ़ने वाले हैं। बस यहीं तक, अब फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए स्टे विद अस, स्टे विद अस, हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं होटल गंगा पैलेस। तो ये रहा लक्ष्मण झूला। यहाँ पे आने पर बाइक पार्किंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है।